हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाले हूँ अंगरखा स्टाइल टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसे बनाने के लिए ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। सबसे पहले एक फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इसमें चोली की मार्किंग करेंगे। चोली के लिए चोली की लेंथ मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हाफ इंच डीप कर लेंगे। यहां से शोल्डर ले लेंगे 7 इंचेस। आर्महोल डीप ले लेंगे 7 इंचेस। यहां से 1.5 इंचेस की हम गोलाई कर लेंगे बैक पार्ट में। हाफ इंचेस का हम डीप कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। इसमें भी गोलाई कर लेंगे। यहां से चेस्ट में ले रही हूं 8 इंचेस। यहां से कमर में ले रही हूं 7 इंचेस। इसको सीधा कर लेंगे। अब यहां से 1 इंचेस का मार्जिन ले लेंगे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसे हम बैक के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इससे हम फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे। इसमें आर्म होल डीप कर लेंगे सबसे पहले। अब हम एक पेपर ले लेंगे। ये मैंने पेपर लिया है इस तरह से। ये 2 लेयर में रखा है मैंने। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। इसकी मार्किंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको पेपर के ऊपर कट कर रही हूं ताकि हमारा फैब्रिक ज्यादा वेस्ट ना हो। अब इसमें हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की ब्रेथ में ले रही हूं 3 इंचेस। नेक की डीप मैं ले रही हूँ 5 इंचेस। आप चाहे तो 6 इंचेस भी ले सकते हैं, बेटर है आप 5 इंचेस ही लें। को इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह से नेक को कट कर लेंगे। इसको ओपन करके इस तरह से रखेंगे। अब यहां से हम लेंगे 3 इंचेस। आप चाहे तो 3.5 इंचेस भी ले सकते हैं। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक से इसको निकाल लेंगे। ये मैंने सिंगल लेयर में रखा है, कोई फोल्ड नहीं किया है। और लाइनिंग को आप देख सकते हो मैंने किस तरह से रखा है। और इसमें हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसको मैंने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने पेपर से नेक को कट किया था, जो उसी को ले लेंगे। सिंपल इसके ऊपर रखेंगे, इसको कट कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहां से इसको हम गोलाई कर लेंगे।
इस तरह से गोलाई कर लेंगे, यहां से भी इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बैक पार्ट लिया है और इसके ऊपर हम पेपर की नेक की कटिंग रख लेंगे इस तरह से, और इसमें हम नेक की डीप लेंगे 3 इंचेस। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, इसको गोलाई करके कट कर लेंगे। ये फैब्रिक लेंगे, अब इससे हम फ्लेयर को कट कर लेंगे। इसको मैंने 2 लेयर में रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले हम ऊपर की साइड 13 इंचेस लीव कर देंगे, उसके बाद हम टॉप की जो भी लेंथ लेना हो ले सकते हो। मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 27 इंचेस। इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हम एक पीस और निकाल लेंगे ताकि हमारा फ्लेयर अच्छे से बन जाए। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उससे हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स नॉर्मल बनाएंगे तो हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। अब इसका हम ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के लिए आप और पट्टी का यूज भी कर सकते हैं। मैंने ये पट्टी कंप्लीट कर ली है, मैंने फ्यूज पेपर का यूज किया है अंदर, और यहाँ से इसको हम रखेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसके नीचे हम एक पट्टी का यूज करेंगे। ये मैंने पट्टी यहाँ पर रख ली है, इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको, सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम, ये ज्यादा गोलाई से कटा हुआ है तो इसके ऊपर हम ये और पट्टी का यूज करेंगे। और पट्टी इस तरह से हम रखेंगे, सीधी साइड से इसको रखेंगे, सिलाई लगाकर हम इसको उल्टे साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बैक के नेक को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी और पट्टी का यूज करेंगे, और पट्टी हम सीधी साइड से रखेंगे, उल्टे साइड फोल्ड करके इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक डोरी का यूज कर लेंगे। ये यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इसमें मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये मैंने पट्टी का यूज किया है यहाँ पे, इस तरह से रखेंगे। ये वाला नीचे करना है और ये इसको ऊपर करेंगे। अब यहाँ से मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से 4 इंचेस लेंगे, 4.5 इंचेस सॉरी। अब यहाँ से इस तरह से 4.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसमें हम पट्टी का यूज करेंगे। ये मैंने पट्टी ली है, इसकी विड्थ ली है 2.5 इंचेस। यहाँ पर हम जो मार्किंग है हमारी उसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसकी विड्थ आपको हम दिखा देते हैं, ये 2.5 इंचेस का है। आप चाहे तो कम भी इससे ले सकते हैं, इसको मैं बाद में कट कर दूंगी। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ से भी हम सिलाई तक कट कर लेंगे। सिलाई को कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर कट लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको हम अंदर साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से करेंगे। इसमें हम बैक साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ऐसे ही सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरह से यहां से फोल्ड करेंगे, उसके बाद यहां से भी हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे पूरे में। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहां पर देख सकते हो आप, 1/2 इंच का गैप है सिलाई के लिए।
अब इसको हम अच्छे से मैच करके रखेंगे इस तरह से रखेंगे। अब इन दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे। इसको हम हाफ इंच का गैप करते हुए रखेंगे सिलाई के लिए, इस तरह से रखेंगे, इसमें हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, इसके लिए ये फ्लेयर मैंने बीच से अटैच कर लिया है। अब इसको हम यहां से सिलाई लगा लेंगे एंड इसमें नीचे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे, पूरे में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको हम सीधी साइड से इस तरह से रखेंगे, यहां से जो हमने हाफ इंच स्लीप किया था उसको हम इससे दबाएंगे और यहां पर चुन्नट बना लेंगे। इस तरह से चुन्नट बना लेंगे। ये चुन्नट हमें अंदर कट तक बनानी है, जो हमने फ्रंट पार्ट में कट लगाया था ना, ये वाला हाफ इंचेस का, यहां तक हम चुन्नट बना लेंगे। यहाँ पर भी मैंने हाफ इंचेस ऊपर की साइड को लीप करते हुए रखा है। इसका फाइनल लुक हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो, कितना प्यारा ये लग रहा है टॉप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।